टाइम ट्रैवल। टाइम ट्रैवल एक ऐसा जॉनर है जिसपे हजारों मूवीज और सीरीज बन चुके, पर इसके जैसा नो वन। हे बाबा, तू कौन है? मैं आपके बेटे का बेटे का बेटा। हे हाय गाइस, दिस इज श्री और आज अपन बात करने वाले हैं डार्क, जो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है और उसके टोटल 3 सीजन्स है और जो ओरिजिनली ये है जर्मन सीरीज है, पर नेटफ्लिक्स में ये इंग्लिश डब में और इंग्लिश सबटाइटल के साथ आपको मिल जाएगा। इसके जो है टोटल 3 सीजन है और तीसरा सीजन जो अब भी निकला था कुछ हफ्तों पहले, ठीक है। और मैं सीरियसली लक्की मानता हूँ खुद को कि मैंने ये थोड़े हफ्तों पहले ही शुरू किया था, क्योंकि इसके एंडिंग सीजन एंडिंग एपिसोड के एंडिंग क्योंकि हर सीजन के एंडिंग एपिसोड में एंडिंग मोमेंट में कुछ ऐसे जगह पे पॉज करके इन लोग रख दिए ना कि तुम नेक्स्ट सीजन देखने के लिए यू विल बी लाइक कब देखो, ठीक है। सो ये सीरीज चालू करने से पहले आपके पास टाइम, ढेर सारा पॉपकॉर्न, पेशेंस और पेन और डायरी, ये 4 चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने बोला टाइम और ढेर सारा पॉपकॉर्न क्योंकि ये आप जब चालू करोगे ना आप ख़त्म करके ही उठोगे, ये इतनी एंगेजिंग है, ठीक है। और सेकंड चीज़ मैंने आपको बोला पेशेंस इसीलिए क्योंकि इसके पहले के 5 एपिसोड इतने कॉम्प्लिकेटेड और इतना स्लो है ना, ठीक है। स्लो तो नहीं बोल सकते पर कैरेक्टर बिल्डअप कर रहा था 5 एपिसोड तक तो इट्स वेरी बोरिंग। मेरे को खुद को ऐसा लगा था कि बस अब और नहीं देखना ये, बट लिटरली बोलूँ आफ्टर 5 एपिसोड नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि 5 एपिसोड तक तो खाली इतना ही बताया गया है कि 3 फैमिली है और उनके जो बच्चे रहते हैं वो घूम जाते हैं और उनको सब ढूंढ रहे हैं। ये किसी और की याद दिलाते हैं ना, स्ट्रेंजर थिंग्स जैसा बिल्कुल नहीं है, नाना बहुत अलग है उससे। पर आफ्टर द 5 एपिसोड से इतनी एंगेजिंग है और इतनी प्रॉमिसिंग है ना कि आई प्रॉमिस तुम खत्म करके ही उठोगे, ठीक है। इतना मजा आ जाएगा तुम लोग को, तो 5 एपिसोड तक थोड़ा खाली खुद को कंट्रोल कर लेना। और एक चीज़ जो मैंने बोला था वो है पेन और डायरी इसीलिए बोला था क्योंकि ये सीरीज इतनी कॉम्प्लिकेटेड है ना डियर, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें इतने सारे कैरेक्टर्स है, 3 फैमिली है और उनके इतने सारे कैरेक्टर्स है। ओ माय गॉड, मैं खुद 3-4 बार तो रिकॉल कर रहा था, अच्छा ये वो है, ये अच्छा ये वो है, ऐसा वैसा। तो इसमें इतने सारे कैरेक्टर्स हैं और इतने कॉम्प्लिकेशन वे में पहले बताया गया है कि, और जो सोचता है ना कि भाई मुझे कोई भी सीरीज कोई भी मूवी एक बार में समझ में आ जाती है, बेटा देख लो फिर पता चल जाएगा तुमको, ठीक है। Seriously, what the fuck are you doing? तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है क्या? अच्छा ठीक, तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है और उसका एक छोटा भाई है, ठीक है। तो उसका जो छोटा भाई है वो पास्ट में जाता है और ये और कोई नहीं तुम्हारा बाप है। छोटा भाई बाप, ठीक है, समझ रहे हो ना, इस तरीके का कॉम्प्लिकेशन है ये। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है ना, ये इसके कॉम्प्लिकेशन के साथ साथ आपको अलग लेवल की सेटिस्फिकेशन मिलेगा, लिटरली बोल रहा हूँ। और इसका बेस्ट पार्ट है ना, नहीं रहने दो स्पॉइलर हो जाएगा, पर मैं इतना बोल सकता हूँ ये बेसिकली एक टाइम ट्रैवल पर है टोटल। और ये इतना, इसके बेस्ट पॉइंट्स है इसके म्यूजिक, इसके सिनेमेटोग्राफी और इसके कैरेक्टर्स भी बहुत सही है, ठीक है। और इंग्लिश डबिंग भी इसकी अच्छी है, मैंने पूरी इंग्लिश डबिंग पे देखी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करता हूँ थर्ड सीज़न जब मैंने चालू किया था उसको ऐसा लगा था कि GOT जैसा ना हो जाएगी, इतना सीज़न सब अच्छा और लास्ट सीज़न इज़ लाइक, समझ रहे हो, बट नहीं, थर्ड सीज़न इसकी बहुत 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 मस्त है क्योंकि जो इसने टोटल 1-2 सीजन में इन लोग ने जो दिमाग की दही की इतना, थर्ड सीज़न ने पूरा साफ कर लिया। और ये थर्ड सीज़न ना तुम्हारा अलग लेवल का सेटिस्फिकेटरी हार्मोन जगाता है, उस टाइप का सेटिस्फिकेशन हार्मोन नहीं, हाँ मतलब देख कर, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो इस थर्ड सीज़न का जो एंडिंग पार्ट है ना, ये एंडिंग इसकी इतनी ब्यूटीफुल और इतना सिंपल है ना, जितना कॉम्प्लिकेटेड पूरा सीरीज था उतना ही प्यारा और सिंपल इसका एंडिंग है। तो फ्रॉम माई साइड एक लाइन में अगर ये सीरीज बोलूँ तो इट्स लाइक अ मस्ट वॉच एंड वर्थ इट है। थोड़ा सा पेशेंस रख के पहला 5 एपिसोड 6 एपिसोड देख लो, फिर आपको मजा आ जाएगा, इट्स माई प्रॉमिस, ठीक है। और प्लीज़ गाइज सपोर्ट कर लो यार, प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और बहुत सारा हम नए नए रिव्यूज़ और बहुत सारा नए नए रिएक्शंस लेके आएंगे, बहुत सारे वाइंस वीडियोज़ लेके आते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। सी यू, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।